यूजेज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो और माइक्रोवेव्स में। रेडियो ऑफ और माइक्रोवेव टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में काम आती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है रेडियो और माइक्रोवेव में ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को लाइट की तरह फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है रेडियो वेव गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टिकल। हम एक ऑप्टिक्स में चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है लाइट किसी भी वेव का आना, और किस मान लो पहाड़, ये पहाड़ है, ये एक ये जो रेडियो वेव आ रही है सीधी, ये हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, इसके चोटी से टकरा के अपना रास्ता बेंड कर लेगी, ये ऐसे जाने की बजाय ये ऐसे हो जाएगी या कॉर्नर से ऐसे हो जाएगी, इसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, रास्ता बेंड करना डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट जब किसी मैटर के ऊपर गिरा जाता है। इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पसेस। टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर काम आती हैं ये। रेडियो वेव्स आर यूज इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार सिस्टम, तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में काम आती है। रेडियो वेव मतलब स्पेस में भेजते हैं सिग्नल और देखते हैं कुछ जादू तो नहीं घूम रहा वहाँ पे कि हमें शायद मिल जाए, तो ऐसा कुछ एलियन वगैरह, तो वहाँ पे काम आती हैं। रेडियो वेव की तरंगे भेजते रहते हैं, ऐसी माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, प्लेन को डिटेक्ट करने के लिए कॉन्टीन्यूसली एनिमी के प्लेन्स हैं रडार सिस्टम। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीफोन सब माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की हेल्प से काम करते हैं। माइक्रोवेव ओवन कुकिंग में काम आते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अंडरलाइन पेपर में आया हुआ है कौन सी वेव मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर के काम आती है माइक्रोवेव्स, अंडरलाइन ढूंढ ढूंढ के प्रॉपर्टी देगा ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, तो सारी पढ़ता जा रहा हूं मैं, ठीक। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की प्रॉपर्टीज हैं ये भी स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो करती हैं, ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो करती हैं, ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। इंटरफेरेंस हम पढ़ेंगे लाइट में, सुपरपोजिशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस, तो ये इंटरफेयर हो सकती हैं एंड कैन बी पोलराइज्ड। ये भी एक लाइट का ही फिनोमेना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है जैसे एक वेव है क्रेस्ट और ट्रफ में जा रही है, सामने एक जाली की तरह स्ट्रक्चर लगा दिया आपने, ऐसा सोचो एक रस्सी है क्रेस्ट और ट्रफ में जा रही है, जाली इसे ब्लॉक कर देगी 90 डिग्री पे, लेकिन अगर आप पास करवाना चाहते हो ये ऐसे पास हो जाएगी, तो इस को प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली जो लाइट है सनलाइट है उसमें वो अनपोलराइज लाइट है, उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं। हम रेबैन की गॉगल्स डालते हैं धूप में ताकि आंखों को बचा सकें, क्योंकि उसमें पोलरॉइड्स लगे होते हैं, उसमें जालीदार स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है कुछ वाइब्रेशन को पास होने देता है बाकी को ब्लॉक कर देता है, जाली टाइप स्ट्रक्चर है ब्लॉक कर देगा, तो आपकी सनलाइट आपके आंख को डैमेज नहीं कर पाएगी क्योंकि काफ़ी लाइट की इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाती है, तो इसलिए वो यूज़फुल है, तो इस पोलराइजेशन बोलते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है वैसे बता रहा हूँ मैं। व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन मैटर दीज रेज प्रोड्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर, गर्म कर देंगी बॉडी को, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। जब एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ दीज रेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हीट से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, दे आर स्कैटर्ड लेस एज कम्पेयर टू द विजिबल लाइट, तो इसलिए लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जब स्मोक या फॉग है तो ये इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली जो कैमरा सैटेलाइट कैमराज हैं कई बार रात को भी फ़ोटो खींच के भेजनी है, नीचे क्लाउड्स हैं फॉग है कैसे लेगा अर्थ की फ़ोटो, नहीं ले पाएगा, तो इंफ्रारेड रेज कैमराज हैं जो उनको लाइट चाहिए ही नहीं है। डिस्कवरी वाले यूज़ करते हैं जंगलों में, उनको लाइट चाहिए ही नहीं है, वो इंफ्रारेड रेज कैमरा यूज़ करते हैं, वो हीट एनर्जी से ही फोटो खींचता है, वो लाइट उसको चाहिए नहीं है खींचने के लिए, तो वहाँ पर ये काम आती हैं। एप्लीकेशंस हैं इंफ्रारेड रेज की, तो सन को ये वार्म, सन अर्थ को ये वार्म रखती हैं, तो लाइफ है अर्थ के ऊपर, कोयला बना था वो जंगल अर्थ के अंदर चले गए थे, गर्मी आ गई थी इंफ्रारेड रेज गिरी तो कोयला बन गया। दीज रेज आर यूज इन सोलर वाटर हीटर्स। सो इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफ्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, अगेन कैमराज में काम आते हैं। टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक के अंदर काम आते हैं। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, आप अंगूर ले आओ और सुखा दो और बोल दो किशमिश बन गई, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, तो यही तो हैं
तो सूखे हुए फ्रूट्स हैं डी, तो गर्मी में रखेंगे तो अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाएगी। दीज रेज आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सेटेलाइट बाई यूजिंग सोलर सेल्स, तो सोलर सेल्स के अंदर काम आते हैं। दीज रेज आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन्स, मोच आ गई, चोट लग गई, घर वाले कहते हैं सेक दे लो, वो सेक ना दे लो, इंफ्रा रेड रेज दे लो ताकि मोच ठीक हो जाए। तो यही वो गर्मी है जो इंफ्रा रेड रेज है जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेन्स को ठीक कर देती हैं। अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट की प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी करती हैं, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये भी करती हैं। व्हेन अलाउड टू फॉल ऑन मेटल दे कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट से हुआ था। तो यूवी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करती हैं, किसी मटेरियल पे गिरे तो फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करती हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू ग्लास बट क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल में ये पास होती हैं। दीज रेज पोजेसेस प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, तो ये विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती हैं बॉडी के अंदर से, तभी तो कहते हैं सर्दियों में धूप सेक लो ताकि विटामिन डी मिल जाए, तो ये वही है, तो विटामिन डी यहाँ से मिलता है। एप्लीकेशन है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल बाई मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरसेंस, कुछ मिनरल्स को अगर पकड़ना है स्मगलिंग वगैरह करके आ रहे हैं तो फ्लोरसेंस हो जाती है तो वो चमकना स्टार्ट कर देता है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर काम आती है। इवन नोट की डिटेक्शन भी, नकली नोट है अल्ट्रा वायलेट बैंक्स के अंदर, वो मशीन लगी होती है चेक कर लेती है नोट असली है नकली है, अल्ट्रा वायलेट की लाइट है। अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर से एक बार अल्ट्रा वायलेट भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में काम आता है। दीज रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड हैंस इट इज़ यूज फॉर स्टेलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बैक्टीरिया किल करने के काम आता है। आपके घरों में लगा हुआ है आरओ, हेमा मालिनी ऐड करती है कैंट की कि कैंट का आरओ ले लो, वो कहती है कि प्योर वाटर शुद्ध वाटर मिलेगा क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लगा हुआ है, यूवी फिल्टर लगा हुआ है, बोलती भी है यूवी फिल्टर लगा हुआ है, वो खुद नहीं पता, वो बैक्टीरिया को किल करती है यूवी फिल्टर, ये वही प्रॉपर्टी के साथ आरओ बना दिया जाता है। नेक्स्ट है एज दीज रेज कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट दे आर यूज इन बर्गलर अलार्म, चोरों को पकड़ने का अलार्म भी काम के लिए काम करती है ये। एक्सरे की प्रॉपर्टी है इसकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रॉपर्टी है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, ये गैस को आयनाइज कर देती हैं जिसमें ये पास कर की जाती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इनसे भी हो सकता है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा करने में वो एक शेडो डालती हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं, हड्डी के ऊपर ये गिरेंगी, बोन के ऊपर गिरेंगी, बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बोन के ऊपर गिरेंगी उसकी शेडो दीवार पे मारेंगी, आप फोटो खींच लेना, आप बोलना एक्सरे ले लिया, तो एक्सरे कुछ नहीं है शेडो की फोटो है, जिस पे गिरी उसकी शेडो आई, शेडो की फोटो एक्सरे कहलाती है। दे कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, सारे ऑप्टिक्स के फिनोमेना इसमें लगते हैं। दे कैन पेनिट्रेट दी मटीरियल्स, तो दे कैन ईजली पास थ्रू पेपर, पर वुड वगैरह के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इंजूरियस हैं ह्यूमन बॉडीज़ के लिए क्योंकि रेडनिंग ऑफ स्किन और बहुत एक्सपोजर टू ह्यूमन बॉडी, इसको मशीन्स को बचा के रखते हैं ताकि एक्सपोजर ना हो पाए। एप्लीकेशंस हैं फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने के लिए, ख़राब ऑर्गन डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ यही नहीं इंजीनियरिंग के अंदर एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन अंदर से क्रैक है कैसे पता करोगे, रेलवे लाइन का एक्सरे होगा, बीम के अंदर क्रैक है कैसे पता करोगे, एक्सरे लेके पता कर लेते हैं कि अंदर क्रैक है कि नहीं। तो कंट्रोल्ड एक्सरे एक्सपोजर आर यूज टू क्योर अनट्रीटेबल स्किन डिजीजेस, तो एक्सरे से स्किन डिजीज ठीक भी हो सकती है, तो इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं फॉल्ट या क्रैक्स के लिए। दे आर ऑल्सो यूज बाई डिटेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, दुबई जाओ सोना भर के ले आओ, कोई जूतो अखबार पड़ा करवा जाता है, रोज पकड़े जाते हैं लोग, एक्सरे मशीन छान देगी पूरी कहाँ कहाँ सोना पड़ा हुआ है, तो ये रही यहाँ काम, ये काम करती है एक्सरे मशीन एयरपोर्ट्स के ऊपर। और टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल्स एंड होमोजिनिटी ऑफ टिम्बर, लक्कड़ की स्मगलिंग हो रही है वो, या लक्कड़ आई, लक्कड़ ठीक है लक्कड़ नहीं ठीक, अंदर से कैसे देखोगे, अब अंदर से क्या भरा हुआ है हमें नहीं पता, तो एक्सरे करके देख लेते हैं लकड़ का मटेरियल भी टिम्बर ठीक है कि नहीं ठीक। तो नेक्स्ट है टायर्स के अंदर, रबर इंडस्ट्री यूज़ करती है, अंदर से कोई क्रैक तो नहीं है रबर के अंदर। नेक्स्ट है दीज रेज हैव बीन यूज्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स,
कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स एटम को स्टडी करने के काम आती हैं। और ऑयल पेंटिंग में कितना चेंज है, पहले एक्सरे लिया था आज फिर एक्सरे लिया, अंदर से कितना चेंज है, महंगी पेंटिंग्स हैं तो ये वहाँ काम आएंगी। गामा रेज हैं, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है इनकी, इनकी प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, आयनाइजिंग पावर बहुत छोटी है, फ्लोरसेंस ये भी प्रोड्यूस करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और दीज रे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस दे फॉल, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इनसे भी होता है, हीटिंग अफेक्ट इनसे होता है। और एप्लीकेशंस हैं, रेडियोथेरेपी में काम आती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स के अंदर काम आती हैं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आ सकती है। फूड इंडस्ट्री में सॉफ्ट गामा रेज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी काम आती है। दीज रेज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आ सकता है।